हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो वोकेशनल कोर्स तुम्हारा जो पेपर टू है ना, ये क्या बोलते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस। तो ये जो पेपर वन का अकाउंटिंग तुम्हारा पेपर है, 80 मार्क का है। क्या आता है, कैसे है, तो उसको सॉल्व करके तुमको बताता हूँ। तो सबसे पहले ना तुमको ना फाइनल अकाउंट आना चाहिए। बच्चे लोग 16 मार्क का फाइनल अकाउंट आता है। फाइनल अकाउंट को छू भी लेके तुम लोग पास हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने 30 से 40 सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। लास्ट में तुमको खुश करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे कि पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर बोलते हैं। डैश इज नोन एज रिस्क कैपिटल, इक्विटी शेयर होता है। गुडविल कैसे एसेट है, इंटेंजिबल एसेट होता है, उसको देख नहीं सकते। और ब्रेकिंग लार्ज डेटा उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है। बैड डेट्स क्या होता है, जो पैसा रिकवर नहीं होता है। बिल ऑफ एक्शन नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी का मालिक होता है, ओनर। ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर बोलते हैं। करंट रेशियो जो लिक्विडिटी दिखाता है, ये ट्रू ऑफ फॉल्स है, ओके। अभी बताने का क्या था, 16 मार्क का ना तुमको 16 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना मार्क का, 16 मार्क का, ओके। फिर उसके बाद है ना, ये बेकार है इधर, तो शॉर्ट नोट्स आएगा। आंसर द फॉलोइंग, मतलब आपको एक एक पेज लिखना है, 3 मतलब 1 4 मार्क का आएगा। तो ये पूरा ना आपका जो वोकेशनल कोर्स है, जो जो 12th में HSC है ना, उनका SP सब्जेक्ट है ना, उधर का सेकेंड चैप्टर पूरा पढ़ लो, टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ना है। फिर शॉर्ट नोट्स दिया है, क्या दिया है, शॉर्ट नोट्स। फिर 3 12 मार्क का आएगा। फिर डिस्टिंग्विश क्या है, डिस्टिंग्विश। तो बुक में जितने डिस्टिंग्विश सब मैं अपलोड कर दिया, सब इसका सॉल्यूशन बना दियो, ठीक है। अभी तुमको नंबर भी दे दूंगा, वो नंबर पे आप मैसेज कर लो, तो तुमको सब सॉल्यूशन में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर है, कुछ भी डाउट रहेगा आप ये नंबर में मैसेज कर दो, गुरु दक्षिणा भी देख सकते हैं, ओके। अब सुनो इधर, तो 12 12 12 36 हो गया, ओके। आंसर्स पढ़ना है, मैंने अपलोड कर दिया। फिर ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया है 12 मार्क, तो आपको कोई दो करना है, एक तो जर्नलिस्ट पास करो, ओके। फिर या फिर आपको एवरेज ड्यू डेट निकालो, वैट का कैलकुलेशन करो, सर्विस टैक्स करो, या फिर ऑप्शन में इश्यू ऑफ शेयर करो। तो अगर ये एंट्री नहीं जमता है, तो ये 2 नकली सम है, 6 6 मार्क का, आपको इजी हो जाएगा, 1 2 3। तो तीनों मैं तुम्हारे लिए अपलोड कर दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये था तुम्हारा पेपर पैटर्न, पेपर सॉल्यूशन था, राइट। पेपर पैटर्न भी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।